ये देख लो उदयपुर आईटीओ मार पर तो फेमा मार तू हमारे घर में मार बोली ए मुड़िया लाइसेंस मत दे ऑन कान दे कान दियो। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। आरटीओ साहब कहीं और जाकर करना पत्थरबाजी। आप नहीं दे रहा बोल रहे ये देख लो उदयपुर आईटीओ ये देखो उदयपुर आईटीओ मार पत्थर फेंका मार तू हमारे घर में मार बोली मारेगा ये उदयपुर आईटीओ देख लो पत्थर लेकर पीछे घूम रहा है ये देख लो इनको एंट्री नहीं दिया तो गुस्सा आया है। हाँ बनाओ अंडरलोड गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ अंडरलोड गाड़ी है। ए मुड़िया लाइसेंस मत दे कहीं को देना लाइसेंस मत दे ऑन कान दे कान दियो ये उदयपुर आरटीओ देख लो दादागिरी इनकी। हाँ ले लो गाड़ी नंबर ले लो बनाओ चालान। तो आपने देखा पत्थरबाज आरटीओ कर्मी वसूली डंडे थप्पड़ और जब कुछ नहीं बचा तो अब पत्थर तक उठाने लग गए हैं आरटीओ कर्मी। लेकिन इन कर्मियों ने पत्थर उठाना सीखा कब? दरअसल ये मामला है उदयपुर राजस्थान का। आप ड्राइवर को ये बोलते हुए सुन रहे होंगे कि गाड़ी अंडरलोड है आप चालान कर दो। अब ड्राइवर को देखकर लग ही रहा है कि वो सही है और किसी चालान से नहीं डरता। कर्मी पहले तो एंट्री मांगते थे पर इस वीडियो में आप देखेंगे कर्मी पत्थर उठाकर ड्राइवर के पीछे पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं। ड्राइवर जंगल में पीछे जाकर वीडियो बना रहा है पर ये वीडियो सच में आरटीओ कर्मियों का एक अलग ही रंग दिखाती है। आप खुद ही सुनिए ड्राइवर की जुबानी पूरी कहानी। मेरा नाम नरेश कुमार है, मैं आर के टेंडर की गाड़ी चला रहा हूँ। मेरा गाड़ी मैं कोटा से लोड करके मोंद्रा पोर्ट जा रहा था, मेरा गाड़ी अंडरलोड था। जैसे ही मैं उदयपुर से निकला गोकुंडा घाटी सड़क गोकुंडा घाटी पे वो आरटीओ खड़े रहते हैं, वो हमेशा 400-500 रुपये मांगते नहीं देते तो बदतमीज गिरा। मैं घाटी उतरा जैसे मेरे को आरटीओ मैडम मिल गई थी, वो मिली तो उन्होंने रुकवाया मेरे को, बोला पेपर दे, मैंने बिल्टी दे दिया। बाकी पेपर मैंने परमिट का बोला ऑनलाइन देख लो, ऑनलाइन बोला तो उनको गुस्सा आ गया कि इधर ऑनलाइन का सिस्टम नहीं है, ऐसे नहीं है, गाड़ी साइड में कर। मैं गाड़ी साइड में करके आया तो मैडम बोला लाइसेंस दे, मैंने बोला लाइसेंस नंबर ले लो, मेरे पास लाइसेंस नहीं है, आप लाइसेंस ऑनलाइन देख लो। तो ऑनलाइन का मैंने ऐसे ही वो हाथ का इशारा करके बोला मैं ऑनलाइन देख लो आप। तो वो उधर से भाग के आए, जो मैडम के साथ में 4-5 लोग खड़े थे, बोला तुम मैडम को उंगली दिखा रहा है, ऐसे दिखा रहा है मैडम के साथ, कहे सरकारी कर्मचारी के साथ बदतमीजी कर रहा है, कहे तो कहे तेरे को अभी कानून पता नहीं है, कानून सिखा देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे करके वो बदतमीजी करने लगे। तो बदतमीजी करने लगे तो मैंने वीडियो शुरू कर दिया, वीडियो शुरू किया तो वो मारा मारी भागे, मेरा बाल पकड़ा खींचा, धक्का मुक्की किया, 4-5 लोग थे। मैडम ने खुद ने मेरा शर्ट पकड़ के मेरे को गाड़ी के अंदर खींचा था फाटक के अंदर से, वो आपके 4-व्हीलर गाड़ी में। फिर उधर से मैं भाग के पहाड़ी पर चढ़ गई, 4-5 लोग थे, हम 2 लोग गाड़ी वाले थे, उनको पास माने दिया नहीं तो मैं अकेला था, मेरे को भाग के पहाड़ी पर चढ़ना पड़ा। वो पत्थर लेके पीछे भागे, मेरे पीछे पत्थर फेंके थे 4-5 के, पत्थर मार दूंगा सर फूट जाएगा, माँ बहन की गालियाँ दे रहे थे, बदतमीजी किया, 2-3 घंटे हमारी गाड़ी खड़ी रखवाया। इनका ये हमेशा ही नाटक बना रहता है, परमानेंट खड़े रहते हैं, इनको 400-500 रुपये देते हैं तो ये बोलते नहीं है, थोड़ा बहुत बात कर लिया इनसे तो ये मारा पारी पे आ जाते हैं। मैं ट्रांसपोर्ट टीवी से रिक्वेस्ट करता हूँ ये वीडियो ताकि आगे आगे फॉरवर्ड करो आप, पब्लिक को पता चले ये कितने ड्राइवरों को परेशान करते हैं दिन भर में। अगर हादसे के बाद आपको चाहिए वकील, करवानी हो बेल या सुपरदारी में चाहिए मदद तो ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए लीगल एंड इंश्योरेंस पॉलिसी। ज्यादा जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 9831 9831 पर, शर्ते लागू। तो ये वीडियो सच में डरा देने वाली है कि क्या आरटीओ कर्मी पत्थरबाजी भी करने लगे हैं? क्या प्रशासन इन तस्वीरों को देख नहीं रहा? क्योंकि दिन ब दिन बढ़ती उदयपुर राजस्थान की गुंडागर्दी ड्राइवरों पर भारी पड़ रही है लेकिन कोई एक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा, अब कर्मी पत्थरबाज बन गए हैं। तो राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा जी से भी हमारी अपील है कि इस पर कोई न कोई एक्शन जरूर लें। बात अगर ड्राइवरों की जाए तो आज वो ड्राइवर नहीं रहे जो बिन गलती पर भी कर्मियों को हांजी हांजी करते रहे, ड्राइवर अब वीडियो बनाते हैं और एक्शन करवाते हैं, यानी कि अब ड्राइवर जागरूक हो गए हैं। इस वीडियो पर आपके क्या विचार हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मैं हूँ ठाकुर प्रसाद, सिंगरा गांव दसकोज तालुका अहमदाबाद गुजरात से। ट्रांसपोर्ट मॉल जिसका वर्कशॉप नंबर है 9831 9831, सभी ड्राइवर भाई, सभी मोटर मालिक, सभी ट्रांसपोर्ट मालिकों से निवेदन करता हूं कि आप अपनी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराएं, क्योंकि हम सब भाइयों ने अपनी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराई है। आपकी हर जोखिम ट्रांसपोर्ट मॉल उठाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।